दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें आपको डेडिकेशन के साथ अपना टाइम और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करनी होती हैं, बट ये सारी चीज़ें तभी आपकी काम आती हैं जब आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए या जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हो, वो अगर आपका टाइमली सारी चीज़ें होती हैं तो। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा सिस्टम हो चुका है कि आपके दो दो तीन तीन साल तक आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं। बहुत टाइम तक आप क्या करते हो, सिर्फ तैयारी में लगे रहते हो। ऐसे में आपकी भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी आपके घर वालों की उम्मीदें होती हैं, और साथ में आपकी कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिनको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और इस टाइम पर अब आपके पास एक ऐसा वक्त आ जाता है जब आप घर वालों से कहते हो तो भी आपको लगता है कि यार काश अपने पास कुछ अर्निंग के सोर्स होने चाहिए, जिससे कि मेरे पास इतनी अर्निंग तो हो कि मैं सेल्फ का ही कोई कुछ जो अपने ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकूं, और अगर कुछ ज़्यादा हो जाती है तो मैं अपने परिवार वालों को भी सपोर्ट कर सकूं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाला हूं कि आप स्टडी के साथ पार्ट टाइम आप अपने हुनर को आजमा कर कैसे पैसा कमा सकते हैं। आप 10-15 हज़ार रुपये महीना तक भी आप कमा सकते हैं और उनसे आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने सपने जो हैं उनको भी पूरा करने के लिए उस पैसे का यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों देखिए, हम सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, हम सभी को भगवान ने किसी ना किसी एक खास हुनर से नवाजा है। कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई टाइपिंग में बहुत अच्छा है, कोई गाने में बहुत अच्छा है, कोई लिखने में, कोई कोडिंग में, कोई पढ़ाने में, हर चीज़ में किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर तो कूट कूट कर भरा हुआ है। ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को पहचानते हो और आपको पता हो कि आपका हुनर क्या है, और आपको सही गाइडेंस मिल जाए कि आप उस हुनर को यूज कहाँ पर कर सकते हैं। सो ऐसी ही एक चीज़ है जहाँ पर आप घर बैठकर पैसा कमा सकते हो, जिसके बीच में कोई ब्रोकरेज नहीं है। डायरेक्ट आप अपना जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट आप क्लाइंट से बात करते हैं, डायरेक्ट आप अपना रेट बताते हैं, आप अपना टाइम बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलती है। जी हाँ, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आप काम करते हो एज ए फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। फ्री का मतलब आप अपने ऊपर बिना बर्डन के काम करते हैं, आप अपने ऊपर कोई भी दबाव अब नहीं रखते हैं, और लेंसर का मतलब है काम करने वाला, मतलब कि बिना दबाव के काम करने वाला कहलाता है फ्री लेंसर। इसी चीज को साकार करने के लिए एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, ठीक है। उस फ्रीलांसर वेबसाइट के अंदर क्या किया जाता है, आपको एक बार अपना लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपसे वो पूछता है, भाई आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ आपके अंदर हुनर है, कितना कुछ आप कैसे कहां कहां से आप पैसा कमा सकते हो। वहां पर जब आप लॉगिन कर देंगे, वहां पर जब आप अपने हुनर डाल देंगे, तो वो आपकी इंटरेस्ट की चीज है। फॉर एग्जांपल, आपको टाइपिंग आती है और उसी टाइपिंग को करने के लिए आपने डाला फ्रीलांसर वेबसाइट के ऊपर कि भाई मैंने क्या किया, मुझे टाइपिंग आती है। जैसे ही आप प्रोफाइल कंप्लीट होगी, वो आपको 100 ऑप्शन दिखा देगा कि भाई ये क्लाइंट है, इनको टाइपिंग के लिए चाहिए। वहां पर आप जाइए, अपना रेट रखेगी, भाई मैं एक पेज का 10 रुपए लूंगा और 2 दिन में आपको काम करके दे दूंगा। अगर क्लाइंट को आपकी चीजें पसंद आती हैं तो वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएगा, असाइनमेंट आपको दे देगा, आप एडवांस फीस रख सकते हैं, आप वर्किंग आवर्स रख सकते हैं, साथ में ही जैसे ही आप प्रोजेक्ट सबमिट कर दोगे आपकी पूरी पेमेंट आपको कर दी जाएगी, आपको पूरी की पूरी पेमेंट मिल जाएगी, बीच में कोई भी कटौती आपसे नहीं काटी जाएगी। तो दोस्तों, खाली समय में आज के टाइम में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और कुछ कर गुजरने की चाहत। अगर ये तीनों चीज आपके अंदर है तो आप विश्वास कीजिएगा, स्टार्टिंग में हो सकता है आप 2,000-3,000-5,000 रुपए कमाएं, पर आने वाले वक्त के अंदर आप 20,000-25,000-30,000 रुपए घर बैठ के कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप क्लाइंट को अपना काम देंगे, आपकी प्रोफाइल सीन होने लगेगी, आपकी प्रोफाइल के ऊपर लाइक्स आने लगेंगे, कमेंट्स आने लगेंगे, रिव्यू आने लगेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको काम से काम मिलता जाएगा, ठीक है। सो जो भी लोग काम की तलाश में है वो फ्रीलांसर वेबसाइट के ऊपर जाएं, अपने लिए काम खोजें, अपने हुनर के अकॉर्डिंग काम खोजें, और खाली बैठे टाइम में इधर उधर की वीडियोज वगैरह देखने में वेस्ट करने के बजाय कुछ अर्निंग करने के मेथड आप सोच सकते हैं। साथ में दूसरा मेथड, अगर जिनको फ्रीलांसर नहीं यूज करना है, जिनके पास मान लो कोई भी हुनर नहीं है और जो चाहते हैं कि हम कुछ और करें,
मान लो मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है और आप चाहते हो कि आप टीचिंग करें, तो देन यू कैन ज्वाइन, आप यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपनी बात सामने रख सकते हैं, बस बरसते हो क्या आपके पास जो कंटेंट है उसके अंदर दम होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं अगर आपके पास, अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हो तो यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कोडिंग ऐप को आपको डिजाइन करना या कोई टाइपिंग का काम है तो उसके लिए आप फ्रीलांसर पे जा सकते हैं। इसी तरह आपको बस क्या करना है, आपको सोर्स देखने, पैसा कहां से आ सकता है, उस सोर्स को अपनी क्षमताओं के साथ मैच करना है और पैसा आप कमा सकते हैं और अपनी जरूरतें और अपने सपने जो हैं वो पूरे कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, होप सो आपको ये मदद मिलेगी। तो आप जाइए फ्रीलांसर पे कीजिए, अगर पढ़ा सकते हैं तो यूट्यूब पर आइए और लगे रहिए, कभी ना कभी आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।